साहब पैसा। बीबी है, बच्चे क्यों नहीं भरी जवानी में जेल पहुंचाना चाहता है? हाँ, तू मुझसे पैसे मांगेगा? मुझसे? चल गए जी। और इसको नीचे उतारो। एक पुलिस ऑफिसर का कत्ल, वो भी इतनी बेरहमी से। शहर में क्रिमिनल्स कितने बेखौफ हो गए हैं। सर इसमें मुझे बहुत बड़ी साजिश नजर आती है। पांडे तुम बलदेव के बारे में क्या जानते हो? सर ज्यादा तो नहीं जानता, बस इतना ही कि आपके यहाँ आने से पहले वो लाइन हाजिर हो चुके थे। और फिर एमएलए ने डिपार्टमेंट से सिफारिश करवा कर उसे बहाल करवा दिया था। Our system is totally rotten. कितने शर्म की बात है कि पब्लिक को सिक्योरिटी देने वाले खुद सुरक्षित नहीं। पांडे सर तुम वर्दी में क्यों नहीं हो? सॉरी सर, एक्चुअली कल मैं छुट्टी पे था और मैं वहीं से सीधे आ रहा हूं। ठीक है पांडे। सर ये बात मीडिया में लीक नहीं होनी चाहिए। ओके सर, और फोरेंसिक टीम को भी बता दो ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। राइट सर। और हाँ, ऑफिसर आदित्य प्रताप सिंह कहाँ है? सर सरेंडर कर रहा हूँ। सरेंडर करना था तो इतना दौड़ाया क्यों? सर टेंशन में भूल गया सर, मुझे माफ कर दो सर। बोल, तेरा ड्रग डीलर कहाँ है? मैं नहीं जानता सर। बता, तेरा ड्रग डीलर कहाँ है? सच में नहीं जानता सर। सर सर सर
मेरे बाल बच्चे हैं सर, उनकी सोचिए ना सर, प्लीज सर। सर मैं आपको कुछ दे दूंगा सर। कुछ भी दे देगा? चल बोल क्या देगा। पैसे ले लीजिए, आप जो भी मांगेंगे। चल एक जोक सुना। जोक? सर एक नदी पर हाथी और चींटी नहा रहे थे। फिर चींटी की चड्डी खो गई, उसने हाथी से पूछा मेरी चड्डी तो नहीं चुराई। ये कोई जोक है? बिना सर पैर वाले जोक मत सुना। सर एक गांव में एक बार अपने बीवी बच्चों की फिक्र है तुझे, और उन मासूम बच्चों का क्या जिनकी नसों में तुम लोग ड्रग्स दे के जहर घोलते हो? क्या वो किसी के बच्चे नहीं? Jai Hind, sir. Jai Hind, officer. You must be aware of recent mishappenings in the city. Yes, sir. Inspector Baldev Singh murdered brutally. Officer, forensic team se reports le lo aur investigation shuru karo. Aur haan, yaad rakhna, ye baat kahin media mein leak nahi honi chahiye. Particulars is to be in this case. Okay, sir. Sure, sir. Jai Hind, sir. खाने की जगह नोट खिलाए और उसके बाद मुंह पे टेप लगा दिया। जो चाकू इस्तेमाल हुआ वो छोटा और तेज था। सबसे पहले यहाँ, फिर इसकी जांघों की नसों को काटा और फिर गला चीर दिया, जिसकी वजह से शरीर का सारा खून बह चुका हो। उसको पता था कि शिकार को एक बार में कैसे मारना है और उसको मरने में कितना वक्त लगेगा। और फिर उसकी बॉडी को ले जाके उसने जंगल में लटका दिया। इट्स अ परफेक्टली प्लान्ड मर्डर पांडे, इट्स अ परफेक्टली प्लान्ड मर्डर। कोई गवाह? सर एक दूर बारे में वहां से जाते हुए उसकी बॉडी को लटका हुआ देखा, और कोई गवाह नहीं। इसके घर की तलाशी ली? हाँ सर, लेकिन कुछ नहीं मिला। फॉरेंसिक टीम ने जांच पांडे, जिस रात इसका मर्डर हुआ इसके घर पे कौन कौन था? सर इसकी बीवी कुछ साल पहले छोड़ के चली गई, और माँ बाप है वो गांव में रहते। मतलब उस वक्त ये घर पे अकेला था। बखूबी किलर ने इस बात का फायदा उठाया और इसका मर्डर कर दिया। पांडे एक काम करो, इसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए कि किस किस केस पे काम कर रहा था, इसकी लास्ट लोकेशन क्या थी। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। ओके ओके सर। और हाँ, इसकी सारी कॉल डिटेल्स भी मुझे चाहिए। ये किलर जो भी है यहाँ भी है। फंसना नहीं सर। Thank you.
हाँ पांडे, क्या प्रोग्रेस है? सर ये नहीं फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर उनकी बॉडी में काफ़ी मात्रा में अल्कोहल पाया गया और इनकी लास्ट लोकेशन एक बियर बार थी। और हाँ सर, ये रही इनकी कॉल डिटेल्स, इसने एक नंबर पे काफ़ी बार कॉल्स की है। तो तुमने उस नंबर पे कॉल करके चेक नहीं किया? जी सर, नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा। पांडे एक बात बताओ, ये बलदेव के घर से बियर बार कितनी दूर है? नहीं कोई 4-5 किलोमीटर। 4-5 किलोमीटर? जी सर। तो एक काम करो, ये बोलो इस नंबर की एग्जैक्ट लोकेशन पता करके मुझे बताओ। जी सर, इमीजिएटली। जी सर। एक्सक्यूज मी, मैनेजर कहाँ है आपके? अंदर बैठे हैं जी। एक्सक्यूज मी, मैनेजर कहाँ है? एक्सक्यूज मी सर, सर आपसे मिलना चाहता हूँ। यस आई एम मैनेजर सर, बार अभी ओपन नहीं हुआ है तो थोड़ी देर बाद आइए सर प्लीज। हेलो, माई सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह, यूपी पुलिस। सर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जी नहीं, 2 दिन पहले यहाँ कोई पुलिस ऑफिसर आया था। सर ऐसे बता पाना तो बहुत मुश्किल है, यहाँ तो बहुत से गेस्ट आते हैं। ओके जस्ट अ मिनट, ये देखिए। हाँ सर, ये 2 दिन पहले यहाँ पर आए थे, आइए हम लोग बैठ के बात करते हैं। बैठिए। वेटर सर के लिए कॉफी लेके आना। सर ये 2 दिन पहले यहाँ पर आए थे और बहुत ही बदतमीज किस्म के आदमी थे, यहाँ आकर इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया और हमारे एक वेटर को मारा भी। सर बाहर क्लोज होने का टाइम हो चुका है सर, हमारे सारे गेस्ट जा चुके हैं, तो सर आप कर लीजिए। जब तक मैं बैठा हूँ तब तक कुछ बंद नहीं होगा सर। और ये बता, दारू क्या तू अपनी घाण मरा के लाता है? नो सर। हाँ नो सर। तो फिर और लाना भोसड़ी के? सर एक्चुअली बात क्लोज होने का टाइम हो चुका है सर, हमारे सारे गेस्ट जा चुके हैं। सर चोर अपने पाप को समझाता है, जानता है कौन इस एरिया का बाप? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह सर, कमांड में गोली मारूंगा, दौड़े बाहर आ जाएंगे तू पर। सर सॉरी सर, दर्द हो रहा सर। सर प्लीज सर, सर छोड़ दीजिए। सॉरी सर, अपने बाप को समझाता है। सॉरी सर। सॉरी सर, उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। मैं वो ए तू जा यहाँ से। आई सर मैं आपको नीचे पूछूँ। समझा के रख इसको, मैं सबकी गांड फाड़ूंगा। और उसके बाद वो यहां से चले गए। इफ यू डोंट माइंड सर, मेरे को गेस्ट आने वाले हैं, उन्हें अटेंड करना है। या श्योर। बाय द वे नाइस टू मीट यू।
थैंक यू सर। हाँ पांडे बोलो। क्या ठीक है, रुको मैं आता हूँ। अबे हाँ पे गंजे तू, समझे, तुझे ही को बोल रहा हूँ गंजा। भाड़ में गया तू और भाड़ में गई तेरी नौकरी। लात मारता हूँ तेरी नौकरी पे, और मिल गया ना तो तुझे भी मारूंगा। ना बड़ा किस पे रहे हो? साला बॉस है मेरा, गंजा है तो खुद को शाकाल समझता है। सैलरी मांग लो तो साला जेम खोल के दिखा देता है, पैसा ही नहीं है। और साला हर महीने रेगुलर थाई मसाज लेने बैंकॉक जाता है। छुट्टी मांग लो तो ऐसा लगता है साले किडनी मांग ली हो। ऐसे लोग को साला दुनिया में रहने का हक ही नहीं है। मेरा बस चले मार डालू साले को। तेरा ये काम मैं कर दूं तो? मतलब? आई एम रमेश, कॉन्ट्रैक्ट किलर। रमेश कॉन्ट्रैक्ट क्या? किलर। सेम ऐसे ही मारता हूँ मैं लोगों को। ये लोग पैसों के लिए नकली मर्डर करते हैं और मैं असली। काम खत्म होने के बाद तुझे बॉडी का कोई भी पार्ट पार्सल कर दूंगा, बस बोल पैसे कितने देगा। तुझे जाने के लिए बोला, चल बैठ बैठ। ये बता, फोन पे जिसे धमकी दे रहा था उसे सच में मार देगा तू? नहीं सर। तो फिर धमकी क्यों दे रहा था? सर वो बस गुस्से में निकल गया सर। तू लोगों को मार के देता है? नहीं सर। साइको है तू? नहीं सर, इंश्योरेंस एजेंट हूँ, नॉर्मल आदमी हूँ सर। तो क्या मैं नॉर्मल नहीं हूँ? सर मेरे कहने का ये मतलब नहीं था सर। तो क्या था? छोटी सी तो बात है सर, जाने दो ना। छोटी सी बात पे तू लोगों को मार भी देता है? नहीं सर, जाने दो ना सर। मजाक कर रहा था यार। गुस्से में हम अपनी इंसानियत ही भूल जाते हैं। मारने की धमकी तो दे देते हैं पर रियल में कातिल के बगल में बैठना तक गवारा नहीं करते, है ना? हाँ हाँ, और वैसे भी आप कोई कातिल थोड़ी हो। सर इसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है सिम, एक साल पहले लिया गया था, लेकिन यहाँ कोई अभिषेक नाम का लड़का रहता है। कोई नहीं, चल के देखते हैं। कौन? अभिषेक, अभिषेक दरवाजा खोल, बलदेव के बारे में बात करनी है। अभिषेक, अभिषेक
साहब छोड़ो मेरे साहब। अरे साहब क्यों भाग रहे थे? साहब मैं डर गया साहब। बोल तो भाग क्यों रहा था? साहब मैं डर गया साहब। बता क्या जानता है बलदेव के बारे में? साहब मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं सच सच बता। साहब मैं छोटा मोटा डीलर हूँ साहब। तो भाग क्यों रहा था? साहब मैं डर गया था साहब। ठीक से बता नहीं तो तेरे कान उखाड़ के अभी तेरे हाथ में दे दूंगा। साहब मैं डर गया था साहब। साहब छोड़ो बता दो साहब। क्या बात हुई थी तेरी बलदेव से? बताता हूँ साहब। साहब मैं छोटा मोटा धंधा कर लेता हूँ साहब, ड्रेस का। साहब इसके सिवा कुछ नहीं जानता हूँ साहब। इसी के सिलसिले में मैंने बलदेव सर को फ़ोन करा था साहब। मेरी जो है बलदेव सर को हफ्ता देने के लिए बात हुई थी साहब, ड्रेस के सिलसिले में साहब। साहब ये रहा आपका पैकेट। क्या बे आजकल तेरे पैकेट का वजन बहुत कम होता जा रहा है। क्या है साहब आजकल धंधा बहुत ठंडा चल रहा है। अबे बंदा ठंडा हो या गरम लेकिन इस पैकेट का वजन कम नहीं होना चाहिए, वरना यही तुझे लटका दूंगा और इतने डंडे मारूंगा तेरा सारा का सारा ये चरस बने तेरी गांड में घुसेड़ दूंगा, समझा? निकल हसन, पैकेट का वजन कम नहीं होना चाहिए। साहब बस साहब इतनी बात है साहब, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता साहब। साहब मुझे छोड़ दो साहब। साहब पांडे इसको गाड़ी में डालो साहब। पढ़ने की उम्र में ड्रग्स बेचता है, डालो साले को। साहब मैं इसके सिवा कुछ नहीं जानता साहब। चल आप छोड़ दो साहब, मैंने बता तो दिया साहब। साहब मैंने बता भी दिया साहब। साहब मुझे छोड़ो साहब। साहब मैंने बताया तो साहब, मैं कुछ नहीं जानता साहब। साहब मैं ये ड्रेस का धंधा बिल्कुल नहीं करूंगा साहब। साहब गलती हो गई साहब, सब पहली बार था साहब। साहब छोड़ दीजिए पांडे, ड्रेस का धंधा तो बिल्कुल नहीं। एक बात बताओ, ये बलदेव इतना करप्ट होने के बाद भी सर्विस में कैसा था? सर जिनके पास सत्ता की पावर और पैसा होता है ना, वो यहाँ दामाद बनकर रहते हैं, और उनके पास तो दोनों ही था। बात तो तुम्हारी सही है। खैर ये बलदेव ने अपनी सर्विस में जितने भी केसेस पे काम किया है ना, जितने भी केस हैंडल किए हैं, उन सब की मुझे फाइल चाहिए, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन सर किसी को नहीं मतलब किसी को नहीं, समझे? ठीक है सर। एक मिनट क्या ऑफिसर, बड़ी कुटरबू चल रही है पांडे के साथ। कौन बात कर रहा है? इतनी जल्दी भूल गए? कुछ दिन पहले तो जंगल में तूफान छोड़ा था। हेलो कंट्रोल रूम, सर का फोन जल्दी ट्रैक करो और पता करो फोन कहाँ से आ रहा है, मुझे इमीडिएट खबर चाहिए। खैर तेरे लिए एक लाश छोड़ी है, आकर देख लो। ऐसे लोकेशन तो तुमने ट्रैक कर ही ली होगी ऑफिसर। गुड बाय सर, लोकेशन ट्रैक हो गई है।